हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। चलिए आज हम बनाते हैं मिस्सी पूड़ी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत आसान तरीके से ये बनकर रेडी हो जाती है। ये मैंने आटा ले रखा है, इसमें मैंने थोड़ा सा बेसन ऐड कर दिया है, थोड़ा इसमें हल्दी ऐड किया है, लाल मिर्ची ऐड किया है, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर भी ऐड किया है, इसमें कसूरी वाली मेथी जो आती है ना, वो भी मैंने ऐड किए हैं। ये देखिए नमक ऐड कर दिया, इसके नमक भी मिला दिया है इसके अंदर। आप स्वाद अनुसार नमक मिला सकते हैं इसके अंदर, कम ज़्यादा जैसा आपको, जैसा आप लोगों का टेस्ट हो आप वैसे आप नमक को मिला सकते हैं। सारी चीज़ें फिर एक संग मिला दी हैं जिससे कि ऊपर नीचे अच्छे से मिक्सअप हो जाए। ये देख सकते हैं, अब इसमें थोड़ा मोइन के लिए इसमें ऑयल भी ऐड कर दिया था। अब ये सारा अच्छे से मैश कर लिया है जिससे पूरे अच्छे पूरी अच्छे से बन कर रेडी हो जाएंगे। ये सारा पूरा इसमें जो मोइन वगैरह मिलाया था अच्छे से आज से मैश कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे का डो लगाएंगे, क्योंकि इसकी मिस्सी पूड़ी बना रहे हैं इसलिए इसका डो थोड़ा सा टाइट ही लगेगा। जैसे पूड़ियों का आटा लगाते हैं वैसे ही इसका डो रेडी करना है। ये आप देख सकते हैं इसका डो लग के रेडी हो चुका है। अब इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। अब 5 मिनट हो गए इसके, ये देखिए डो रेडी हो गया है। इसकी अब लोई तोड़कर रेडी कर ली है, सारी लोई तोड़ ली है। अब इसका एक एक करके सारा पूड़ी बनेंगे। ये सारी पूड़ी रेडी करते हैं इसकी। सारी लोई पूरी अच्छे से बना ली है। अब तेल भी ऑयल भी इसका गर्म हो चुका है। अब एक एक करके इसके अंदर पूरी तल रहे हैं जिससे काफ़ी अच्छी बनकर रेडी हो जाएंगे। खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है और बहुत ज़्यादा खस्ता लगती हैं। आप ऐसे इन पूड़ियों को तो आप किसी भी चीज़ के संग खा सकते हैं, चटनी के संग, अचार के साथ या मटर की सब्जी के साथ। ये काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। ये सब पूड़ी इसी तरीके से अपन निकाल लेंगे अच्छे से। ये देखिए हमने सारी पूड़ियाँ बेल बेल कर तो और इसमें सेक लिए हैं, काफ़ी अच्छे से सेक गए, रेडी हो चुकी हैं। ये जितनी अच्छी वो देखने में लग रही है उतनी अच्छी खाने में भी लगती हैं। और बच्चे बड़े ये पूड़ी इतनी खस्ता रहती हैं कि इनको कोई भी आसानी से खा सकता है और काफ़ी टेस्टी लगती है। इसे को तो आप बिना किसी चीज़ की सहायता से भी खा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि अचार हो या चटनी हो, कुछ भी नहीं। इसको वैसे ही चाय से भी इसको टेस्ट कर सकते हैं, जितनी अच्छी बहुत ज़्यादा ही टेस्टी पूड़ी लगती है ये। ये आप देखिए कितनी टेस्टी लगेंगी खाने में, एक बार आप बना के देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी। मैंने एक एक दो दो करके सारी पूड़ियों को थोड़ा तल लिया है इसके अंदर। ये देखिए कितनी अच्छी पूड़ी लग रही है, फूली फूली मस्त मस्त पूड़ी। जितनी देखने में अच्छी लग रही है ना, उतनी खाने में तो और भी लाजवाब है, बहुत ही मज़ेदार है, इतनी सॉफ्ट लगती है खाने में।
सॉफ्ट, खस्ता, बहुत बढ़िया पुड़िया लगती है, बहुत टेस्टी हैं। आप भी एक बार मेरी तरह ट्राई करके देखिएगा। बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलते हैं। कोई सिंपल रेसिपी, बढ़िया रेसिपी, टेस्टी रेसिपी।